बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? हटना नहीं है, समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13, वेक्टर्स सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड लेक्चर 2 का पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। किसकी रिक्वेस्ट पर है ये? पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। शहाना गुल एवान, ये इनकी रिक्वेस्ट पर वीडियोस बनाई जा रही हैं। और ये अभी हम मैट्रिक फिजिक्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वेक्टर्स को, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। और इसमें सारी प्रॉब्लम्स भी, एग्जांपल्स भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है भाई। ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड फिजिक्स, ये रहा आपका वेक्टर्स वाला चैप्टर नंबर 5। ये लेक्चर 2 है और इसका पार्ट 2 है। लेक्चर 1 के दोनों पार्ट जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिए, और लेक्चर 2 का पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो भी देख लें, ताकि आप तसलसल के साथ जो है आगे बढ़ें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बच्चे जल्दी में हैं वो जल्दी से वीडियो बंद करके जल्दी जल्दी यूट्यूब पे घूमते रहें और सर्च करते रहें और टूटे फूटे कॉन्सेप्ट लेके नंबर ले लें और आगे जाके एंट्री टेस्ट में अपना नुकसान कर लें। इसको सीखना है तो इसको आपको वक्त देना पड़ेगा, ये टाइम मांगता है, ये मैंने पहले ही बता दी थी बात। तो तहम्मुल रखिए, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो देखें तो आपको क्लियर हो जाए। ज़रा आगे चलते हैं। मैंने आपको वेक्टर्स का ओवरव्यू दे दिया, स्केलर्स का भी दे दिया, सारा डिफरेंसेस निकल के आ गया, दोनों में फ़र्क क्या है ये भी बात हो गई। और उसके बाद फिर हमने मैथ्स को डिस्कस किया कि मैथ्स में हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस चारों को बेस बना के मैं आगे चला था। मैंने आपको कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज दोनों हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये बात डिस्कस हो चुकी पहले। अब यहां पर जिस तरह स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको डेली लाइफ में हम डिस्कस करते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है सिंपली, उसमें तफसील से बात कर चुका हूं। अब वहां पर यह बात होती है कि स्केलर क्वांटिटीज को अगर आप प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? बेसिक मैथ्स कुछ भी नहीं, कैलकुलेटर उठाइए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, स्केलर क्वांटिटीज को कोई टेंशन ही नहीं है। यानी कि ये वही क्वांटिटीज हैं जिनको आप डील करते हुए आ रहे हैं अभी तक, बस अब उनका एक नाम पहली दफा आपने सुना कि इनको स्केलर क्वांटिटीज करते हैं, कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ आ जाइए। वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं है बल्कि डायरेक्शन भी है, तो जब आप इसको अभी सवाल पैदा होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आया आप नंबर्स को वेक्टर्स के साथ ऐड कर रहे हैं, नंबर्स को वेक्टर्स के साथ सबट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नंबर्स को वेक्टर्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं? मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, याद रहे। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आप वेक्टर को वेक्टर से ऐड कर रहे हैं, आप वेक्टर को वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई को वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा जी। ये बेसिक प्रॉब्लम है बच्चे जिस पर ध्यान नहीं देते कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं, पिछली वीडियोस में भी जो हमने किया लेक्चर 2 के पार्ट 1 के अंदर, वो हमने मल्टीप्लीकेशन को देखा था। ये रहा वो आपका टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, कि आप जब किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब हमारे पास जो वेक्टर नंबर्स हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। दोनों किस्म के नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर से तो हमने रिजल्ट देखा, जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके, समझ में आ गई बात। उसमें जो खास चीज हमने देखी थी उसको मैं क्विकली यहां एक्सप्लेन कर दूं, वो क्या थी कि कोई वेक्टर है मिसाल के तौर पर। अच्छा, अब ये तो बात आपको समझ में आ गई, एक चीज इसके साथ और ऐड कर दूं ताकि वो भी आपके जहन में रहे। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से भी करते हैं, यही बात है।
ये अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप अल्फाबेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक वेक्टर है। इसी वेक्टर को अगर मैं ग्राफिकल, ग्राफिकल मतलब तस्वीर बना के दिखाना चाहता हूँ, तो वो ये भी एक वेक्टर है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम ए वेक्टर हो गया मिसाल के तौर पर। ये ए वेक्टर, ये इसी इसकी शक्ल। तो कन्फ्यूज मत हो, डोंट गेट कन्फ्यूज। ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। यहाँ आपने अल्फाबेट की मदद से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, यहां आपने तस्वीर बना के एक एरो की मदद से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। नो मैटर, वेक्टर किसी भी शक्ल में रिप्रेजेंट हुआ हो, एक बात तो तय है, इसमें दो चीजें होंगी। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो नो होंगी। यहां भी होगी और इस एरो में भी होगी। तो ये इस बात का जरा ध्यान रहे, दोनों बातें मैंने कर दी। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा, और दूसरी बात वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया आपको कि अल्फाबेटिकली भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, और ग्राफिकली भी करते हैं, जैसे कि ये एरो बना हुआ, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक ओके हो गया। अब आगे चलो, तो यहाँ पर मिसाल देके मैंने समझाया, तो 4 सेंटीमीटर का अगर ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन देख लें, ये मैप बना हुआ, नॉर्थ और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन क्विक रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ये भी एक वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ये भी एक वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ? ये भी एक वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ? इसकी डायरेक्शन देखिए ईस्ट की तरफ है, ये रहा ईस्ट, है ना। इसका मुंह देखें किस साइड पर है? ईस्ट की तरफ। इस वाले का मुंह किस तरफ है? डाउनवर्ड, साउथ की तरफ। इसका कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है। और इसका कहाँ है? वेस्ट की तरफ। समझ में आ रही है बात? अब इस एक को ले लेते हैं, वेक्टर ए को, ये जो बनाया हुआ है। अगर तो ये वेक्टर है तो डेफिनेटली हम जानते हैं इसमें दो चीजें लाजमी होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। ये हमें कहां पता लग रहा है इसमें कहां है मैग्नीट्यूड और कहां है डायरेक्शन? ये पूरा एरो क्या हमें बता रहा है? स्केल लीजिए, इस वेक्टर को देखिए जरा कितना बनता है ये। मैंने तो अंदाजे से बनाया है, लेकिन आपने अंदाजे से नहीं बनाना, आपने तो एग्जैक्ट स्केल से मेजरमेंट करनी है, जो आपका स्केल है। समझ में आ रही है बात? तो 4 सेंटीमीटर अंदाजा मैंने बनाया, तो ये बन गया। ये 4 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ है जी, ये जो लेंथ है यही मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब मिकदार। और चलो, मैग्नीट्यूड का तो मसला हल हो गया, जितनी लेंथ है वेक्टर की वो उसकी मैग्नीट्यूड हो गई। डायरेक्शन कहाँ गई? ये एरो को देख लें, एरो जिस सिम्त में इशारा कर रहा है वो इसकी डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक हो गया सर। अब चलते हैं आगे, इस वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर +2 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या रिजल्ट आएगा दोनों सूरतों में? क्योंकि रिव्यू कर रहा हूँ इसलिए तफसील से बात नहीं करूंगा। +2 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करता हूँ, ये नंबर है याद रहे, ये वेक्टर नहीं है कि वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नो, ये एक नंबर। -2 भी एक नंबर है, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। हम क्या कर रहे हैं यही समझाना चाहता हूँ, हम नंबर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पहले सीख रहे हैं, नंबर्स को वेक्टर से प्लस करना सीख रहे हैं, नंबर्स को वेक्टर से माइनस करना सीख रहे हैं, और नंबर्स को वेक्टर से डिवाइड करना सीख रहे हैं। सबसे पहले वेक्टर से, वेक्टर की बात बाद में होगी। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, ये पिछली वीडियो में हो चुका है डिस्कस। इसका रिजल्ट बता देता हूँ आपको क्या होगा। +2 अगर एक नंबर है, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर ए से, जिसकी मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर, उसकी डायरेक्शन ईस्ट में है, तो क्या होगा? ये +2 मल्टीप्लाई बाय 4 = 8 सेंटीमीटर। क्या साफ पता लग रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर का था और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वेक्टर इतना बड़ा हो गया? ये है वही वेक्टर, ए ही है, लेकिन अब क्या हो गया? इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 8 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। खास बात ये है कि इसकी डायरेक्शन, जो न्यू वेक्टर हमारे पास आया है, वो चेंज नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन वही है, पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव हो जाता है, -2 भी तो एक नंबर है ना भाई, अगर -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को इसकी मैग्नीट्यूड से, तो जवाब 8 ही आएगा। बिल्कुल माइनस का 8 आएगा, आएगा तो 8, तो साइज भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी।
जी ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का नतीजा है. पॉजिटिव नंबर से मैग्नीट्यूड तो बढ़ गई लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई. नेगेटिव नंबर से मैग्नीट्यूड बढ़ी लेकिन डायरेक्शन इनवर्स हो गई, अपोजिट हो गई, उल्टी हो गई बिल्कुल. अगर ईस्ट था तो वेस्ट हो गया, देखें, नॉर्थ था तो साउथ हो गया, साउथ था तो नॉर्थ हो गया, वेस्ट था तो ईस्ट हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन. यहां तक तो बात क्लियर हो गई, क्लियर है? आगे चलते हैं, पिछली वीडियो देख लीजिए, पार्ट वन, इसका और क्लियर हो जाएगा. ओके फाइन, ये मिटा देता हूं. अब अगला जो टॉपिक है इसके बाद हमारा, जिसपे हम इस लेक्चर टू को खत्म करने जा रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वेक्टर को वेक्टर से ऐड करना सीखेंगे. जी अब किसी नंबर को ऐड नहीं करेंगे, हम वेक्टर को वेक्टर से ऐड करना सीखेंगे. अच्छा जहां तक मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं कि नंबर्स जो हैं वेक्टर्स के साथ प्लस होंगे, माइनस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, तो क्योंकि आपकी मैट्रिक की बुक है, फिलहाल मैट्रिक को देख रहे हैं, तो हम तो सिर्फ अभी प्लस नहीं देख रहे, माइनस नहीं देख रहे, मल्टीप्लाई को फोकस कर रहे हैं. जी डिवाइड भी नहीं देख रहे, सिर्फ हम मल्टीप्लाई को फोकस कर रहे हैं इसके अंदर, और उसी के ऊपर ये टॉपिक है आपका जो मैंने समझा दिया पिछली वीडियो में. अगला जो टॉपिक है हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये क्या होगा? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, बार बार मैं आपको समझाता हूं. सबसे पहले आप हेडिंग पे गौर करें. देखिए भाई, इस बुक का नाम फिजिक्स रखा हुआ है, अलादीन का चिराग क्यों नहीं रखा हुआ? क्यों रखा? क्यों? क्योंकि ये इसमें जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, वो फिजिक्स है. टाइटल हेडिंग यही तो होती है ना, कोई दूसरा नाम नहीं रखेंगे यहां पर, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ही रखेंगे. इसकी हेडिंग देखें, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, क्या मतलब है? किसी वेक्टर का नेगेटिव. जी नंबर्स हमारे पास होते हैं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये टू है, क्या लगा हुआ इसके साथ? बोलेंगे सर प्लस लगा हुआ है, सबको पता है, बच्चा भी बता देगा प्लस है छुपा हुआ. मैं कहता हूं इस टू का नेगेटिव बताओ क्या होगा, आप बोलेंगे सर माइनस टू, यही होगा ना. अगर एक वेक्टर है आपके पास, ये रहा, इसका नाम ए है और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर, डायरेक्शन जो है वो ईस्ट में है. मैं आपसे बोलता हूं इसका नेगेटिव बताइए आप. अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, पहले नंबर का मैंने नेगेटिव कहा था, वो तो बड़ा आसान है, लेकिन जब किसी वेक्टर के नेगेटिव की बात करेंगे तो बी केयरफुल कि आप सिर्फ वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, उसके साथ डायरेक्शन भी है, ये मत भूलिएगा. जी वेक्टर्स को हैंडल करना डिफिकल्ट थोड़ा सा क्यों है, बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड उठा लेंगे और भाई डायरेक्शन भी तो है, उसका क्या करेंगे, उस पर भी ध्यान, दोनों चीजों पर बैक वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा. जी जब भी वेक्टर्स को हैंडल करें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को फोकस करना पड़ेगा. तो मैग्नीट्यूड इसकी कितनी है? मैग्नीट्यूड हमारे पास है 2 सेंटीमीटर. डायरेक्शन इसकी अभी मौजूदा क्या है? वो ईस्ट की तरफ है. अब मैं आपसे बोल रहा हूं इसका नेगेटिव बना दीजिए, तो इसका मतलब आपको माइनस टू करना पड़ेगा, है ना, तभी तो नेगेटिव होगा, माइनस टू. अब माइनस टू होगा कैसे? बड़ा आसान है तरीका, देख लीजिए, इसकी मैग्नीट्यूड को लीजिए 2 सेंटीमीटर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस वन से. किससे? माइनस वन से. अब माइनस वन से मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर अब भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा. और जैसे ही ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो वही रही 2 सेंटीमीटर, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो ये होने पे क्या होगा? डेफिनेटली हमारा ये वेक्टर जो है, अगर ये रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल ये माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ा, मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव 2 है, लेकिन फर्क किस पे पड़ गया? मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्शन पे फर्क पड़ गया, इनवर्स हो गई. ये हमारे पास अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन ये देखें, ये मैप बना हुआ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एरो आ गया, सॉरी वेस्ट की तरफ आ गया, ये आ गया, नजर आ रहा है, वेस्ट की तरफ आ गया. तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर सिंपली क्या कॉन्सेप्ट है?
फिजिक्स में हमें ज़रूरत पड़ती है, हम डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं कभी किसी वेक्टर की, बिल्कुल अपोजिट करना चाहते हैं, इनवर्स, बिल्कुल अपोजिट, तो उसके लिए हमें जो है फिर ज़रूरत पड़ती है कि हम उस वेक्टर को नेगेटिव कर दें, तब ही उस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये होगी यहां जाएगी अपोजिट। तो उसका तरीका यही है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, वो वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी और हमारा काम निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। बहुत मेहनत कीजिए इस टॉपिक के ऊपर, बच्चे इसके ऊपर ध्यान नहीं देते अनफॉर्चुनेटली, हमारे कॉलेजेस के अंदर भी और स्कूल्स के अंदर भी बदकिस्मती से इनको फोकस नहीं किया जाता। आप याद कर लीजिए ये वेक्टर्स का इतना इंपॉर्टेंट, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, इसकी प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे मैट्रिक के बाद, फर्स्ट ईयर की तरफ जाएंगे, लेकिन क्या दूसरे जो सब टॉपिक्स हैं, दूसरे जो चैप्टर्स हैं आपकी फिजिक्स के, वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे जाएंगे जब तक आपकी वेक्टर्स पे ग्रिप नहीं है। तो ये कड़वा घूंट एक दफा भर लीजिए, मेहनत कीजिए इसके ऊपर जितनी मेहनत कर सकते हैं। समझ में नहीं आता मुझे बताएं, मैं बार बार बताऊंगा। अब वो बच्ची है शाहना गुल, और भी इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परेशान है, क्यों? क्योंकि आगे एंट्री टेस्ट आ रहा है, एमसीक्यूज में एमसीक्यूज टिक लगाने, अब पागलों की तरह टिक लगाएंगे, पढ़ेंगे नहीं एमसीक्यूज को, समझेंगे नहीं उसमें लिखा क्या है, वो आपसे बोल क्या रहा है, समझेंगे तभी तो टिक लगाएंगे ना। फिर आप बोलते हैं कि हम तो पास नहीं होते, भाई पास कहां से होंगे, आप रटने पे पूरा ध्यान लगाते हैं, समझने पे तो ध्यान ही नहीं लगाते। तो अभी भी टाइम है आपके पास बहुत, घरों में बैठे हैं, पढ़े अपने दिल लगा के पढ़े, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, देखें अभी कितनी जरूरत है मुल्क को, उम्मत को, लोगों को, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को, कितनी जरूरत है आपकी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, लेक्चर 2 पार्ट 2 फाइनल हो चुका, अगला जो टॉपिक है हमारा, हम अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन, उसमें से एडिशन लेंगे, प्लस वेक्टर्स को वेक्टर से कैसे प्लस करते हैं, किसी नंबर को वेक्टर से प्लस नहीं, वेक्टर को वेक्टर से कैसे प्लस करते हैं, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। अपनी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना, अगेन नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।